अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। किताबों के रिव्यू के सिलसिले को थोड़ा बढ़ाते हैं। आज जो किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका नाम है जस्तजू का सफ़र। गुफ्तगू पब्लिकेशन ने शाये किया है इसको। 500-700 रुपये इसकी प्राइस है। इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। एक अब्दुल्ला की कहानी है, किस तरीके से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ा, किस तरीके से उसने तालीम हासिल की, किस तरीके से उसने दुनिया का मुकाबला किया, किस तरीके से वो दीन के ऊपर चला। कंसिस्टेंसी एक लफ्ज़ है जिसमें आप इस पूरी बुक को समराइज कर सकते हैं। साबित कदमी, इस्तेकामत से हल्के हल्के छोटा छोटा काम आप करते रहें तो बहुत दूर निकल जाते हैं। अतात बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब रोज़ रात को सो नफिल पढ़ लें और फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ दें तो पिटाई ज़रूर होगी कि नफिल तो अपनी अपनी मर्ज़ी से पढ़ ली ना, आपका दिल चाह रहा था तो आपने पढ़ लिया, दिल चाहता है तो रोज़ा रखते हैं, दिल चाहता है तो तरावी पढ़ लेते हैं, दिल चाहता है तो नहीं पढ़ते, लेकिन जो कहा गया वो क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं किया। तो बंदा अगर इस्तेकामत से, साबित कदमी से छोटा छोटा काम करता रहे, लेकिन रोज़ करता रहे, भले रोज़ के दो सफ़े पढ़े लेकिन पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहे, कोई तूफ़ान आए, कोई बारिश हो जाए, कोई मसला हो, कुदरत को जो काम करना है वो कर रही है, तो जो आपने काम करना है आप उससे क्यों रुक जाते हैं कि जी आज क्रिकेट का मैच आ गया, आज PSL हो गया, आज कोई प्रोटोकॉल चल रहा है, आज कोई और मसला हो गया। जब कुदरत अपने कामों से बाज नहीं आती तो आप भी अपने कामों से बाज ना आए, आप भी अपने काम करते रहा करें। तो इस्तेकामत का जो दर्स इस किताब से आपको मिलता है वो बड़ा कीमती है। इस किताब को पढ़ के अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंसी सीख जाए, आपको सिर्फ रब से कनेक्शन मिल जाए, आपको सिर्फ पता लग जाए कि किस तरीके से सर झुका के आगे बढ़ा जा सकता है, तो यकीन जानिए एक ऐसी स्किल है जो 1000 स्किल्स के ऊपर भारी है। आप मुझे सुनते हैं, बहुत से लोग आके इस चैनल के ऊपर मुझसे जुड़े भी हैं। आप कुछ ना करें, आप ये किताब पढ़ लें अगर, और कोई मेरी वीडियो ना देखें, कोई मेरी बात ना सुने, किसी चीज़ पर अमल ना करें, कोई कोर्स ना करें, आपको फ़ायदा इंशाल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर मिल जाएगा। वो लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए मैंने गुफ्तगू वालों से बात की, वो एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उस पर किताब आराम से आप पढ़ सकेंगे, इंशाल्लाह कुछ हफ़्तों में लॉन्च हो जाएगी। नहीं होगी, हम कोई ना कोई तरीका निकालेंगे ये किताब आप तक किसी तरीके से पहुंच जाए। बहरहाल इस किताब को ज़रूर पढ़िए, आप भी पढ़िए, अपने घर वालों को भी पढ़ाइए, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको पसंद आई या नहीं आई। काफ़ी अर्से सोच रहा हूँ इसके पार्ट 2 को लिखने की, लेकिन फ़ीडबैक हमारे पास कोई नहीं है कि वाकई इस किताब से किसी को कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ, किसी ने ज़िंदगी कुछ सीखा भी या नहीं सीखा। क्योंकि बड़ी हया आती है कि आपका भी टाइम ज़ाया हो, जिस पेपर पे छपे किताब वो पेपर भी ज़ाया हो, पैसे भी लोगों के ज़ाया हों, तो बाद में जवाब कौन देगा। तो अगर वाकई ये किताब ज़िंदगी में कभी कहीं किसी तरीके से आपके काम आई है तो मुझे बताइए, हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेके आपके पास हाज़िर होंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।